हाय गाइस uh, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह क्रॉस्टिन फाइट क्लब से uh, मैं फाउंडर हूं ओनर हूं और हेड कोच हूं क्रॉस्टिन फाइट क्लब का uh, पिछले दो तीन हफ्ते से हम लोगों ने कोई वीडियो बनाया नहीं है एंड uh, मुझे ऐसा कुछ लग लग नहीं रहा था कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा बट आप कितने सारे लोगों ने आप सब ने मैसेज डाले कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं तो वी आर बैक एंड uh, बहुत अच्छा लगता है जब आप आप लोग रिप्लाई uh, करते हैं कमेंट करते हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छा लगता है uh, तो आज uh, हम लोग बात करेंगे uh, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आई थिंक एज अ फाइटर एज मैन अगर आप एक आदमी हैं एक मर्द हैं और आपको फाइटर बनना है या फिर एक करियर बनाना है जिसमें आप सक्सेसफुल हैं तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगे मैंने काफ़ी सारे स्टडीज़ किए हैं बुक्स पढ़े हैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में और काफ़ी सारी ऐसी इंसाइट्स हैं जो फाइटर्स ने और चैम्पियंस ने यूज़ किए हैं अपने करियर्स में ख़ुद को बेहतर करने के लिए और अगर आप भी फ्यूचर में एक एक यू एफ सी चैम्पियन या मेट्रिक्स फाइट नाइट चैम्पियन बनना चाहते हैं तो ये सारे स्किल्स ये सारे टूल्स आप सीख सकते हैं जो आपको एक अच्छा फाइटर बनाएंगे तो कल एक्चुअली मेरी बात हो रही थी कल एन की टीम यहाँ पर आई थी ये हम लोग का नोएडा का सेंटर है क्रॉस्ट फाइट क्लब नोएडा तो यहाँ पर टीम आई थी उनको देखना था कि कैसे फाइटिंग होती है कैसी ट्रेनिंग होती है और उनको लग रहा था कि क्योंकि उनने टीवी पे देखा है कि एमएमए कैसा होता है और उन्हें देखा कि कितना वायलेंट है लोग नॉकआउट हो रहे हैं लोग चोक हो रहे हैं किसी का आमवार हो रहा है कोई की हो रहा है तो वो सब देख के वो आए थे जिनकी टीम बहुत डरी हुई थी उनको लग रहा था कि यहाँ पर मार पटाई हो रही होगी लोग अग्रेसिव होंगे पर जब उनने आके देखा कि ट्रेनिंग किस तरह से होती है उनने देखा कि एक अच्छा सा वार्म अप होता है बिगनिंग में टेक्निक सिखाई जाती है ये अंडरस्टैंड किया जा सकता किया जाता है स्टूडेंट्स को कि फ़ाइट में कैसा हो सकता है आपके साथ और और जब स्पारिंग भी चलती है तो उसमें भी आ, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपका आर्म हाइपर एक्सटेंड हो रहा है तो आप बॉडी को टैप कर दीजिए आपको छोड़ दिया जाएगा तो एमएमए की ट्रेनिंग काफ़ी लोग डरते हैं करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि आप जाएंगे आपको चोट लग जाएगी और एक्चुअली द फैक्ट है कि अगर आप अच्छे जिम जाएंगे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे तो चोट लगने के चांसेस बहुत लो रहते हैं ऑब्वियसली स्पोर्ट है अगर आप गोल्फ़ टाइप का स्पोर्ट भी देखेंगे तो मैं एक आदमी से बात कर रहा था उनको गोल्फ़ खेलते हुए चोट लग गई तो कुछ भी आप फिजिकल करेंगे चोट लगने का चांस है बट एमएमए अगर ठीक से सिखाया जाए मैं खुद 12 साल की एज से कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसको अच्छे से सिस्टम के साथ सीखा जाए तो बहुत आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं और इंजरी होने का चांस भी काफ़ी कम रहता है अगर आपको पता है कि पोजिशंस कैसी हैं कैसे निकलना है जो एक अच्छा जिम आपको सिखा देगा तो शुरू करते हैं एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फाइटर्स के लिए आ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो भी फाइटर बने नहीं हैं सोच रहे हैं उस घर पे हैं आ, मैंने पहले वीडियो बनाई थी एम एम इंसाइक्लोपीडिया आपको जो भी पता करना है कि कैसे जॉइन करना है क्या करना है सारा डिटेल्स में दिया हुआ था बट अभी भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो करना चाहते हैं पर घर पर बैठे हुए हैं और कोई कोई रीज़न नहीं है ये नहीं है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं Uh, या फिर जिम नहीं है वो सारे अच्छे रीजंस हैं सॉलिड रीजंस हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं बट ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिनको करना है बट वो इतने कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ में कि वो वो नेक्स्ट स्टेप ले नहीं पा रहे हैं या तो नर्वस हैं या फिर उनको लग रहा है कि पता नहीं जिम कैसा होगा उनको ये नहीं लग रहा उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं फ़िट होऊंगा क्या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए फ़िट होना चाहिए फिर मैं जाऊं तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के होंगे एम श्योर एंड दो तीन लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डाला यही करते हुए कि सर मुझे करना है पर मोटिवेशन नहीं आ रही तो एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी एक्चुअली इंग्लिश मूवी है जिसमें आई थिंक ग्राउंड हॉक डे मूवी का नाम है अगेन आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ ग्राउंड हॉक डे ये मूवी का नाम है तो इसमें क्या होता है इसमें एक ही इंसान एक इंसान है वो एक दिन जीता है और फिर रात को मर जाता है एंड नेक्स्ट डे रीसेट होता है वो दोबारा वो दिन दोबारा लिव करता है आई थिंक एक टॉम क्रूज की भी मूवी आई थी रिसेंटली सेम बात हो रही थी उसमें वो मर रहा था और वो वापस एक मिशन को ट्राई कर रहा था तो जितनी बार वो मर रहा था मिशन में वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था बट मरे जा रहा था तो एक्चुअली हम लोग की लाइफ भी थोड़ा उस, उसी तरीके से है अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपका एक बहुत अच्छा दिन हुआ आप सुबह उठे आपको अच्छा खाना मिला आपने कोई गेम खेला वीडियो गेम खेला बहुत अच्छा लगा अच्छी मूवी देखी लंच किया सो गए अच्छी सी नींद आई शाम को उठे कुछ नाश्ता सा किया खेला खेले डिनर किया रात वाकि सो गए शायद ही आपके लिए बहुत अच्छा दिन था बहुत मज़ा आया बट अगर आप यही दिन दोबारा रिपीट करेंगे अगले दिन सेम चीज़ें जिस तरह से हुई हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा शायद थोड़ा सा कम आए उसको अगर आप रिपीट करेंगे एक दिन और तो मज़ा थोड़ा सा और कम हो जाएगा थोड़ा सा लगेगा ये तो कर चुके हैं हम लोग बार बार कर रहे हैं और इसी को अगर आप रिपीट करते रहें साल के बाद साल तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा आपको चेंज चाहिए होगा आपको परिवर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए चेंज इम्पॉर्टेंट है डिफ़िकल्टी इम्पॉर्टेंट है तो क्या होता है जब हम कंफर्ट जोन में रह जाते हैं तो हम लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं कि वो जो कंफर्ट जोन है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हाँ अच्छी जगह हैं सब कुछ अच्छा है गेम अच्छा है खाना अच्छा है रेस्ट अच्छा है बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं दुनिया आगे बढ़ रही है आप वहीं फंसे हुए हैं उसी लेवल पे, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आप स्पोर्ट्स हो सकते हैं आप हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हों और जॉब में सेम जॉब है काफ़ी साल से कर रहे हैं कंफर्टेबल हैं बट कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा कुछ ग्रोथ नहीं हो रही सैलरी नहीं बढ़ रही तो कंफर्टेबल हैं बट शायद आप पाँच साल बाद सेम पोजीशन पर अगर रहेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे पाँच साल में मैं कितना कुछ कर सकता था मैंने किया नहीं मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला नहीं तो मैं एग्जांपल उसमें एक और दूंगा फाइटर्स uh, के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉक्सिंग बहुत अच्छी है आप बॉक्सर हैं और uh, आप कंफर्टेबल हैं चाहे वो बॉक्सिंग फाइट हो एमएम फाइट हो आप बॉक्सिंग ही खेलते हैं सिर्फ और कंफर्टेबल हैं जीत रहे हैं बट अब ये सोचिए अगर आप सिर्फ बॉक्सर रह गए और अभी शायद अब इंडिया में हैं तो अच्छी बॉक्सर हरा सकते हैं काफ़ी सारे फाइटर्स को बट पाँच साल बाद जब सब ने बॉक्सिंग सीख ली सब ने सीख ली सब ने सीख लिया सब ने सीख लिया तो अब आपकी जो बॉक्सिंग स्किल अभी है शायद सबसे बेटर है बट पाँच साल बाद जब बाकी लोग अप कमिंग लोग उनकी स्किल बढ़ते जाएंगे और आप पाँच साल बाद सेम लेवल पर रहेंगे और शायद एज के साथ थोड़े स्लो डाउन हो जाए स्टैमिना कम हो जाए मसल कम हो जाए स्पीड कम हो जाए तो आप नीचे जा रहे हैं बाकी लोग ऊपर आ रहे हैं तो ये मैंने बहुत देखा है इंडिया में मार्शल आर्ट्स के फ़ाइटर्स के वो एक एरिया में अच्छे होते हैं और फिर उसी में रहते हैं कंफर्ट जोन में रहते हैं ग्रोथ नहीं होती उससे और उससे फिर बाकी फ़ाइटर्स जो उनसे यंग फाइटर्स हैं वो उनको फिर हराने लगते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा अपने ग्रोथ पे रहिए के बारे में सोचिए कम्फर्ट जोन से निकलिए तो इसी सेम सिचुएशन को मैं कैसे ठीक करूंगा अगर आप हैं और आपकी बॉक्सिंग अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बॉक्सिंग को भूल जाइए बॉक्सिंग करिए बट आप वो देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रॉस लेफ्ट हुक फेंकना बहुत पसंद है बॉक्सिंग में तो आप कोशिश करिए क्रॉस लेफ्ट हुक फेंकने के बाद आप राइट लोक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए तो इससे क्या होगा क्योंकि आपका बॉक्सिंग तो ठीक चल रहा है साथ में आपकी किकिंग एबिलिटी भी ऐड हो जाएगी और आप अभी लगेगा कि एक किक का ऐड करने से क्या होता है पर आप रोज़ जब एक नया किक ऐड करेंगे न्यू कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे तो वो आपके गेम का पार्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फॉर एग्जांपल एक बॉक्सर के साथ फाइट कर रहे हैं और एम में फाइट है किक बॉक्सिंग फाइट है तब उस वो सिर्फ जैप क्रॉस मार सकता है और आपने जैप क्रॉस मार के लेफ्ट एंड साइड लो, लो किक मारी और राइट हाई किक भी मार दी आप ये उसके लिए शौक है क्योंकि वो सिर्फ बॉक्सर है आपके पास कितने सारे अदर टूल्स हैं अनदर एग्जाम्पल अगर आप बॉक्सर हैं आपने पंच मारा और उसके सर पे लग गया हाथ टूट गया तो अब आपके पास सिर्फ एक जैप बचा लेफ्ट हैंड बचा पर अगर आपको किकिंग भी आती है तब आप यहीं से राउंड ऑस किक मार सकते हो हाई किक मार सकते हो टीप मार सकते हो नी मार सकते हो एल्बो मार सकते हो कितने ज्यादा टूल्स आ गए आपके पास क्योंकि जब आप बॉक्सिंग कर रहे थे और अच्छे थे तो आपने कम्फर्ट जोन में नहीं रहे आपने और स्किल्स भी अपने गेम में एड किए एल्बो मारने की प्रैक्टिस करने लगे नी मारने की प्रैक्टिस करने लगे किकिंग मारने लगे और ये कैसे हुआ आपने एक अच्छा जिम ढूंढा जिसमें मोयथाई भी सिखा रहे थे आ, किकिंग सिखा रहे थे अच्छे कोच थे तो आपने अपने स्किल सेट को छोड़ा नहीं बॉक्सिंग आपकी ख़राब नहीं हो रही अब बॉक्सिंग जो है वो है आप और टूल्स ऐड कर रहे हैं उससे आप और डेंजरस हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कम्फर्ट जोन से निकलिए और नए स्किल सेट्स सीखिए क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स का नाम ही मिक्स मार्शल आर्ट्स है आप जितने ज़्यादा टूल्स ऐड करेंगे उतना बेटर रहेगा फिर आपकी टिकिंग अच्छी हो गई तो मैं कम्प्लीटली एक ये इमेजनरी एग्जाम्पल है बॉक्सर में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ बॉक्सर्स की बस एग्जाम्पल है बॉक्सिंग का तो अब आपने किकिंग ऐड कर ली अब किकिंग में अब आप, आप अच्छे हो गए अब आपको लगता है मेरे को सब कुछ आ गया नहीं अब आप क्या सीख सकते हैं अब आप फेक करना सीख सकते हैं आप फेक करेंगे बंदर रिएक्शन देगा मे बी आपने पंच का फेक किया उसने रिएक्शन दिया पंच को स्टॉप करने के लिए आप किक मार सकते हो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आप अपने फुटवर्क पे काम कर सकते हो नेक्स्ट चीज होगी आप अपने स्ट्राइकिंग को यूज करके टेक डाउन सेटअप करना शुरू कर दिया आपने टेक टेकडाउन लेने लगे बट स्ट्राइकिंग को सेटअप करके नेक्स्ट होगा आप काफी बार मैं अपने स्टूडेंट्स को ये दिखाता हूँ काफी बार आप रेस्लिंग में शुरू करेंगे फॉर एग्जाम्पल रेस्लिंग में पोजिशन होती है ओवर अंडर इस पोजिशन शुरू कर रहे हैं अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कैसे इस पोजिशन से आप डिसेज होंगे क्योंकि वो भी निकलना चाह रहा है मैं भी निकलना चाह रहा हूँ तो उसने डिस्िंगेज किया जैसे हम डिस्टिंगेज कर रहे हैं तब मैं उसको कैसे मार सकता हूँ तो स्ट्राइकिंग वहाँ से कैसे यूज करना है फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा केज पे फाइट केज में होती है केज में हम लोग कैसे स्ट्राइकिंग यूज कर सकते हैं तो इतने सारे टूल्स हैं जस्ट स्ट्राइकिंग में फिर आप ग्राउंड पे चले गए ग्राउंड में स्ट्राइकिंग होती है आप ग्राउंड पाउंड कर रहे हैं तो पॉइंट मेरा यह है कि आप एक स्किल सेट पे अगर रहेंगे तो काफी आपका लिमिटेड गेम रहेगा गेयर आउटसाइड द कम्फर्ट जोन अच्छा कोच ढूंढिए अच्छे स्कूल जाइए मिक्स मार्शल आर्ट्स अकेडमी और नए नए टूल्स ऐड करिए आपका गेम बहुत इंप्रूव होगा आ, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था और सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्टेड है इस पॉइंट से बट एक कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल है एक आई थिंक उन्नीसवी सदी में बिगनिंग में एक बहुत फेमस जादूगर थे मैजिशियन उनका नाम था हुडिनी शायद आपने नाम सुना होगा तो हुडिनी दुनिया के सबसे अच्छे मैजिशियन थे उनके कारनामे दुनिया भर में प्रसिद्ध थे मतलब सबको पता था हुडिनी क्या है कौन है तो उन उनके तो वो क्या करते थे उनके एग्जाम्पल थे कि वो पूरे बॉडी को चेन में अपने को जकड़ लेते थे और फिर उनको एक लकड़ी के डब्बे में डाल दिया जाता था फिर ल, ल, लकड़ी के डब्बे को वो समुद्र दिया जाता था और वो सब कुछ निकाल नकुल के स्विम करके बाहर सेफली निकल आते थे यू मैं बस मैं आपको बात बता रहा हूँ सौ साल पुरानी बात है आ, वो जिन लोगों ने डब्ल्यू देखी है तो अंडरटेकर का एक मैच होता था जो फेमस डब्ल्यू डब्ल्यू के सुपरस्टार हैं अंडरटेकर, उनका होता था कि उनका बरी अलाइव मैच होता था कि गड्ढा है और जो भी रेसलर जीतेगा वो ऐसे जीतेगा कि ओपोनेंट को वहाँ डालना है और फिर बरी डालाइव कर कर देना है तो वो उनका मैच स्टाइल था ये भी कॉन्सेप्ट हुडीनी के ही मैजिक ट्रिक्स के ऊपर बेस था हुडीनी खुद को कब्र में उनके ऊपर आप मिट्टी डाल दो वो घंटे वहां रहते थे और फिर निकल के आते थे टोटली सेफ तो बहुत फेमस मैजिशियन थे उनकी एक और ट्रिक है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है उनकी एक ट्रिक थी कि वो जब स्टेज पे होते थे तो वो ऑडियंस मेंबर में किसी को भी बुला लेते ले थे किसी को भी कि तुम आ जाओ या तुम आ जाओ या फिर बोलते थे किसको आना है और लोग हाथ उठाते थे और फिर ऑडियंस से एक आदमी को बुला लेते थे जब वो ऑडियंस का मेम्बर आता था तो हुडीनी खड़े जाते थे और ऑडियंस मेम्बर को बोलते थे तुम्हारे में जितनी भी पावर है जितनी दम है तुम्हारे अंदर फिस बनाओ और खींच के मेरे पेट पर पे मारो और हमेशा ये होता था कि चाहे आदमी जितना बड़ा हो फास्ट हो वो जब पंच मारता था तो हुडीनी को कुछ भी नहीं होता था और फिर ऑडियंस पागल हो जाती थी क्लैप करते थे वो ये आदमी बेचारा चला जाता था कि यार कितना स्ट्रांग आदमी है कुछ हो नहीं रहा इसको और ये उन्नी ट्रिक सालों नहीं दशक दशकों पे चलाई बहुत साल तक तो लोग आते रहे मारते रहे कुछ वही नहीं एक दिन क्या हुआ बैक स्टेज कुडीने का शो खत्म हुआ वो पैकअप कर रहे थे बहुत सारे फैंस उनके थे एक फैन आया और विदाउट नोटिस बिना बताए उसने खींच के बहुत तेज एक पंच मारा उनके पेट पर ओवर रेडी नहीं थे पंच के लिए और इतना सिवियरली उनको पेट में ट्रामा हुआ कि उनको हॉस्पिटल ले, ले, ले जाया गया और आज भी स्टोरीज uh, यही हैं कि उनकी या तो अपेंडिक्स रप्चर हो गई या लिवर या किडनी कहीं ना कहीं बहुत सीरियस डैमेज हुआ इंटरनल ब्लीडिंग हुई और डेथ भी हो गई तो एक ऐसा आदमी जिसने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए लाइफ में इतने कारनामे किए और इतने सालों से उन्होंने पंच लिए उनको कुछ हुआ नहीं बैक स्टेज एक रैंडम आदमी ने उनको पंच मारा और उनकी डेथ हो गई तो उसका पॉइंट यही था कि जब वो स्टेज पे खड़े होते थे और जब ये जो ऑडियंस मेम्बर्स आते थे और वो जब पंच मारते थे तो हुडिनी हमेशा रेडी रहते थे हम लोग फाइटिंग में भी जब आ, हम लोग ड्रिल करते हैं जब हम लोग पेट पे पंच मारते हैं पेट को हम लोग हार्ड कर लेते हैं फेस कर लेते हैं वो कुछ होता नहीं ज़्यादा कंडीशनिंग नहीं होती है पेट की बट अगर आप रेडी नहीं हैं और किसी ने खींच के पंच मार दिया तो हवा निकल जाती है और अगर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन जैसे यहाँ पर uh, उनके लेबर पे शॉट लगा या जहाँ पर भी लगा उससे तो उनकी डेथ हो गई तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो इसलिए एक पंच नहीं ले पाए क्योंकि वो रेडी नहीं थे उनकी प्रिपरेशन नहीं थी उनको वो रेडी नहीं थे तो इतना बड़ा मजिशियन इतना बड़ा आदमी भी अगर एक छोटे से टाइम पीरियड में रेडी नहीं रह सकता कितनी रिस्क है उसमें तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट फाइटिंग और लाइफ पे भी है आप जितना खुद को प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपरेशन फाइटिंग के लिए प्रिपरेशन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपने वो चीज़ देखी नहीं जैसे हुडी ने वो पंच देखा नहीं उनको दिखा ही नहीं पंच कहाँ से आया आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि जो भी आप सोच सकते हैं और ये आई थिंक जो भी हम लोग हैं हम लोग मैन uh, जो हैं हम लोग हम लोगों को हमेशा ये पिक्चर करना चाहिए अपने दिमाग में कि वर्स के सारे हो क्या हो सकता है हमारी हेल्थ के सार, साथ हमारी वेल्थ के साथ uh, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ के साथ uh, एग्जाम्पल हो गया आपने अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस करा रखी है कि नहीं करा रखी है आपकी कुछ इनकम स्ट्रीम है कि नहीं है आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अगर आप फाइटिंग कर रहे हो तो फ़ाइटिंग में आप डेडिकेटेडली uh, जा रहे हो सीख रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने एंड से टू मेक श्योर आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बर् दोनों बनी रहे कि कुछ भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अगर आए तो आप तैयार होने चाहिए आप रेडी होने चाहिए सेम थिंग अप्लाई टू फाइटिंग फाइटिंग में आपको पता नहीं है कि आपका ओपोनेंट कैसा होगा आपका ओपोनेंट रेसलर हो सकता है आपका ओपोनेंट बॉक्सर हो सकता है आपका ओपोनेंट किक बॉक्सर हो सकता है जेट्सू फाइटर हो सकता है तो आपको सारे एरियाज कवर करने पड़ेंगे अपनी ट्रेनिंग में और कभी कभी ऐसा भी होता है स्पेशली एमेचर लेवल पे कि आपको पता ही नहीं आपका ओपोनेंट कौन है और कभी कभी तो ये भी होता है कि आपको चार फाइट खेलनी है पांच फाइट खेलनी है तो आपको पता ही नहीं कि ओपोनेंट क्या करने वाला है तो ये तो मतलब बेसिकली पॉइंट यही है कि हुडीनी ने पंच दिखा नहीं और आपने भी अगर सिर्फ फिर से हम बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं अगर आपने सिर्फ बॉक्सिंग सीखी है तो आपको आइडिया नहीं है कि अगर ओपोनेंट रेसलर है तो मैं क्या करूँगा तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे एलिमेंट्स पर काम करिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पर आपने काम नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपको आना चाहिए केच पे कैसे निकलना है केच टेक डाउन कैसे लेना है ग्राउंड पे अगर फंसे हुए हैं तो कैसे उठना है उठ नहीं पा रहे हैं तो ग्राउंड में ऐसे होना चाहिए कि क्या सबमिशन आते हैं आपको सब भी नहीं आते हैं उठ भी नहीं पा रहे हो फिर आप नीचे से क्या स्ट्राइकिंग कर सकते हो एल्बो मार सकते हो क्या कर सकते हो तो सारे एरियाज़ में आपको एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्पोर्ट के बारे में कि कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो क्या क्या आपकी गेम्स में कमियाँ हैं और आप उस कमी को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो कैसे बढ़ा रहे हो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगला पॉइंट में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी uh, है और मैं एक्चुअली बहुत रिसर्च करता हूँ मैं बहुत uh, पढ़ता हूँ जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगती हो क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है ऐसे वीडियो के लिए बट एक ज़माना था जब साइंस uh, से ज़्यादा रिलीजन को हम लोग क्रेडिट uh, देते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया जीसस क्राइस्ट ने बनाई है ये ये एक कॉन्सेप्ट था वेस्ट में कि सारे आइटम सारे सारे जानवर सारे जीव प्लांट्स पानी समुद्र सब कुछ सब कुछ जीसस क्राइस्ट ने बनाया है स्पेशली क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट था <coughs> तो अगर उस समय तमे, उस समय मैं 1600, 1700 साल की बात कर रहा हूँ 200 साल पहले तो वहाँ पर तो कॉन्सेप्ट साइंस का इतना था नहीं और उस समय भी ऐसे लोग थे जो साइंस स्टडी कर रहे थे और एक आदमी जिसका आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन कौन थे चार्ल्स डार्विन थे उनकी एक बहुत फेमस स्टडी थी जिसको हम लोग आज सब फॉलो करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन की थ्योरी क्या है कि भगवान ने नहीं बनाया सबको एक प्रोसेस हुआ है एवोल्यूशन का जिसमें लाइफ शुरू हुई थी समुद्र में और फिर धीरे धीरे करके फिश बने फिश से फिर वो ग्राउंड पे आए लैंड पे आए धीरे धीरे करके मंकीज़ बने चिमपैंसिज बने धीरे धीरे करके इंसान बने तो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स का ये एवोल्यूशन है सेम थिंग वो प्लांट्स में हुआ सेम थिंग वो दुनिया में जो भी लाइफ है वो एवोल्यूशन के थ्रू आई है ये थ्योरी है चार्ल्स डाबिन की और इसको सारे साइंटिस्ट अग्री करते हैं और अभी ह्यूमैनिटी की अंडरस्टैंडिंग है कि ये कॉन्सेप्ट सही है बट आप सोचो उस जमाने में कितना कॉन्ट्रोवर्शल टॉपिक रहा होगा उनके पीछे काफ़ी सारे रिलीजियस लोग पड़े हुए थे उनको मारना चाह रहे थे आप सोचो कि उस ज़माने में जब ये आइडिया था भी नहीं तो आदमी कितना स्मार्ट होगा कितना इंटेलिजेंट होगा कितना बड़ा जीनियस होगा कि उसने ये कॉन्सेप्ट समझा और फिर दुनिया को समझाया अब मैं आपको ये बताऊं कि जब वो स्कूल में थे तब उनके फादर जो थे उन उनको लगता था कि ये चार्ल्स डावन जो हैं इनका कुछ नहीं होने वाला उनको लगता था कि बिल्कुल निकम्मे में अकल नहीं है स्मार्ट नहीं है इंटेलिजेंट नहीं है इनका कहीं मन नहीं लगता है और चार्ल्स डावन के एक्चुअली एक कज़न थे जो पूरा परिवार यही बोलता था कि उनका कज़न इतना स्मार्ट है बहुत इंटेलिजेंट है बहुत ये बहुत है बहुत वो है और चार्ल्स ड्रावन को हमेशा कंपेयर करते थे कि ये तो बिल्कुल अपने कज़न को देखो और इसको देखो कोई कंपेरिजन ही नहीं, नहीं। कज़न यहाँ पर है ये यह यहाँ पर है तो ये चार्ल्स ड्रावन पर हमेशा ये वो था कि ये बिल्कुल बुद्धू है और उसको कुछ नहीं आता और ये कभी ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा उनके फादर ने इतना भी किया कि इनको चर्च में जॉब दिलाने की कोशिश की कि उनको लग रहा था कि ये चार्ल्स ड्रावन का कुछ नहीं हो पाएगा इनको एक चर्च में जॉब दिला दो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कि इनके एटलीस्ट कुछ इनकम तो आने लगे और हुआ क्या अब आप देखो चार्ल्स डावन दुनिया भर में उनकी थ्योरी फेमस है और और सब लोग बोलते हैं कि वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्मार्ट जो भी आदमी थे कि उन्होंने इतना बड़ा थ्योरी अनकवर किया बट उनने क्यों किया कैसे किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बात है और ये ये बात आती है उनके इंटरेस्ट पर काफ़ी टाइम जब वो स्कूल में थे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी उनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं सौ चीज़ों में नहीं इंटरेस्ट था उनको इंटरेस्ट किस में था उनको इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ में उनको इंटरेस्ट था uh, कीड़ों को देखना टोड्स को टैड पोल्स को uh, चिड़िया को इंटरेस्ट uh, था नेचुरल इंटरेस्ट था और काफ़ी लोगों को होता है बर्ड्स uh, को देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ को देख रहे हैं तो उनका बहुत इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ में और उनको कभी चांस मिली ही नहीं उनको हमेशा फोर्स किया गया कि तुम ये करो वो करो ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो कभी उनका इंटरेस्ट था ही नहीं उस, उस पढ़ाई में उन सब्जेक्ट्स में इसलिए उस तरफ गए नहीं पंद्रह साल की एज में उनको चांस मिला कि वो एक शिप पे एक प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल करें एक ग्रुप के साथ और वो ग्रुप ऐसा था कि वो ग्रुप भी काफ़ी साइंस रिलेटेड ही ग्रुप था जो वाइल्ड लाइफ को स्टडी करने वाला था तो चार्ल्स डावन का एक लक की बात है कि उनको इंटरेस्ट भी था वो उस बोट पे बैठ गए शिप पे और वो ऐसी जगह गए जहाँ पर उनको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्टडी करने को मिला उनका बहुत इंटरेस्ट था और जो चीज़ आपको इंटरेस्ट में लगती है जो इंटरेस्ट आती है उसमें जब आप काम कर रहे हो तो इतना इतना काम की तरह वो फील नहीं होता मैं आज मैं आप खुद के बारे में बोल सकता हूँ आज अभी बज रहा है शाम का साढ़े पाँच बजे मैं सुबह साढ़े आठ बजे से लगा हूँ नॉन स्टॉप मीटिंग्स है, प्रोजेक्ट हैं प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ लग ही नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना मज़ा आता है मार्शल आर्ट्स में और एम में जी एच में कि फील ही नहीं होता कि कुछ काम है तो सेम कॉन्सेप्ट जाबन के सभी था उनका इतना इंटरेस्ट था इस एरिया में जब वो उनको इस जिस एरिया के बारे में पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है और मुझे चांस मिल रही सीखने को तो वो उसमें जब घुसे हैं उसकी वजह से उनकी इतनी नॉलेज बढ़ी इतना उनको आइडियाज़ लगे इतना कॉन्सेप्ट समझ में आए और वो इतनी बड़ी उन्हें थ्योरी बना दी जो आज भी हम लोग दो सौ साल बाद फॉलो करते हैं और सब साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि यही थ्योरी है तो इसका आपके से क्या लेना देना आपका आपका और मेरा लेना देना ये है कि जब मैं यंग था बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था आ, स्पोर्ट्स में खेलना कूदना आ, पंचिंग करना किकिंग करना मेरा बहुत इंटरेस्ट था बचपन से और मुझे नेचुरली ऐसा लगता ही नहीं था क्योंकि मैं कुछ एफर्ट मार रहा हूँ तो अगर आपको भी आ, अगर ऐसा इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए उसको इग्नोर मत करिए लोग बोलेंगे कि हाँ आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे अगर इंटरेस्ट है किसी एरिया में उसको एक्सप्लोर करो और डेफिनेटली आपको हेल्प होगा तो एक छोटा सा वीडियो था इस बार इस वीक होपफुली आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक वीडियो प्लीज़ लाइक अ चैनल एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक थैंक यू सो मच बाय